हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राउत टेक रिवॉल्यूशन। दोस्तों आज का टॉपिक है फ्लिपकार्ट में आप जब प्रोडक्ट लिस्टिंग करोगे कैसे उसको एडिट करोगे। तो पूरा आपको ए टू जेड एडिट करा के दिखाऊंगा आपको कैसे एडिट होता है, बैकग्राउंड क्या रहता है, सारा कुछ आपको दिखाऊंगा। चलिए चलते हैं, देखते हैं। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक कर देना, दोस्तों से शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं, देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसके लिए आपको तीन वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगा। पहला है रिमूव बीजी, जो कि आपको आपका प्रोडक्ट का बैकग्राउंड रिमूव करेगा। दूसरा है अपस्केल इमेज। अपस्केल इमेज मतलब आपका जो इमेज रहे, प्रोडक्ट का इमेज रहेगा, अगर वो क्वालिटी में कम रहेगा तो उसको क्वालिटी में अच्छा करना करके देगा। और एडोबी फायरली, ये एडोबी फायरली आपके अगर बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हो तो आप इसको बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो। तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ रिमूव बीजी, एक रिमूव करके दिखा देता हूँ, क्योंकि फ्लिपकार्ट में हमेशा बैकग्राउंड वाइट वाला लेते हैं। तो ये आइडिया रिमूव बीजी, आप लॉगिन साइन अप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आप डायरेक्ट यहाँ पे इमेज अपलोड कर सकते हो, इमेज कोई भी इमेज आप ले सकते हो। सपोज इसको ले लिया, इसको पहले आपका बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा, फिर कलर में जाके इसको हाइट बैकग्राउंड करना पड़ेगा, देन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड होके जाके आपका रहेगा डाउनलोड्स में, फिर आपको क्या करना है, आपको पहले अपस्केल करो या एडोबी फायरफ्लाई से आप बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो। सपोज मैं एडोबी फायरफ्लाई में पहले ये खुल गया एडोबी का साइट, आपको क्या करना है, जेनरेटिव फील टेक्स्ट इमेज, जेनरेटिव शेप फील, जेनरेटिव रिमूव, आपको क्या करना है, जेनरेटिव फील क्रिएट विथ फायरफ्लाई करना है। इसको यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका इमेज यहाँ पे, आपको यहाँ पे होम पे जाके जनरेट पे क्लिक करना है, अपलोड इमेज। जैसे कि मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया था, यहाँ पे क्लिक कर दिया, सिलेक्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड करोगे तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा आपको, ऐड ग्रास ग्रीन इन बैकग्राउंड। ये थोड़ा टाइम देने के बाद आपको ये देखिए, आपको जो भी अच्छा लगेगा आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ये देखिए आपका डाउनलोड हो चुका है। इसको आप एडिट कर सकते हो। यह रिसाइज कर सकते हो। यहाँ पर एडिट करने के बाद इसको आप हटा सकते हो या ऐसे रहने दे सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो। अगर ऐसा टाइप कर देना है। ये तो इमेज का बहुत क्वालिटी कम हो गया है,
जेबी में हो गया है, इसको फिर आपको अपस्केल करना है। अपस्केल इमेज मारने से आप यहाँ पे अपस्केल इमेज मारोगे तो बहुत सारा टाइप खुल जाएगा। ये सबसे अच्छा लगता है मुझे, ये IMG UPS imageupscaler.com। यहाँ पे आपको वो इमेज को अपलोड कर देना है, ये वाला, फिर स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। ये ऑटोमेटिकली आपका क्वालिटी एनहांस कर देगा। तो ये आपके लिए फ्लिपकार्ट में डालने के लिए मदद करेगा, क्योंकि जो क्वालिटी अच्छा नहीं रहेगा तो प्रोडक्ट का अच्छा व्यू नहीं दिखेगा। ये देखिए, ये हो गया आपका अपस्केल। ये तीन वेबसाइट आपको यूज करना है फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए। तो दोस्तों, इससे हम प्रोडक्ट को हम एडिट कर सकते हैं फ्लिपकार्ट सेलर के लिए। तो ये था पूरा एडिटिंग स्किल। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे गए दिए गए डिस्क्रिप्शन से मेरे को फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फ्लिपकार्ट के और एक एपिसोड के साथ। टिल देन, बाय बाय।